आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने। चाहते हैं सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे? क्या केजीएफ 2 के बाद दिलवाले 2 से दिखाएंगी रवीना एक नया अवतार? क्यों थी दिलवाले फिल्म वीरू और अजय के लिए खास? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट पंखुरी। भारतीय अभिनेत्री रवीना टंडन फेमस कन्नड़ फिल्म केजीएफ पार्ट 2 के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रवीना टंडन इस फिल्म में रमिका सेन की भूमिका निभाएंगी और वो अभी इस फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 30 साल की करियर के दौरान रवीना कई तरीके की भूमिकाओं में फिल्मों में हिस्सा रही हैं। रवीना ने कई बार रोमांटिक अवतार में अभिनय करते हुए अपने एक्टिंग स्किल्स को भी शो किया है। दिलवाले एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसमें अजय देवगन और रवीना टंडन लीड रोल्स में हैं और सुनील शेट्टी एक अलग किरदार में है। दिलवाले 1994 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है। ये फिल्म अरुण और विक्रम पर बेस्ड है। जब अरुण को एक हत्या के मामले में झूठा फंसाया जाता है तो वो अपना आपा खो देता है। हालांकि चीजें तब मोड़ लेती हैं जब एक ईमानदार पुलिस वाला विक्रम उसकी मदद के लिए आता है। टंडन ने फिल्म में अजय के साथ एक रोमांटिक काफी सारे एक्चुअली रोमांटिक सीन्स किए थे और इस दौरान उन्होंने अपने स्किल्स को दिखाया था। इस फिल्म का निर्देशन हैरी बवेजा ने किया था। हर एक्टर अपनी पहली फिल्म को याद रखता ही है, इसीलिए चाहे दर्शकों के लिए वो फिल्म खास हो या ना हो, लेकिन उस एक्टर के लिए वो फिल्म काफी खास हो जाती है। बॉलीवुड के फेमस एक्शन डायरेक्टर अजय देवगन के पिता वीरू देवगन का 2019 में निधन हो गया था। उन्होंने 80 फिल्मों में बतौर स्टंट डायरेक्टर के रूप में काम किया था। साल 1994 दिलवाले पहली फिल्म अपने बेटे अजय के साथ उन्होंने बनाई थी, जो कि दर्शकों को काफी पसंद भी आई थी। इस फिल्म में भी स्टंट डायरेक्टर ही थे वो। दिलवाले फिल्म के लिए अजय देवगन को भी काफी तारीफें मिली थी और इसीलिए ये फिल्म अजय और उनके पिता के लिए काफी खास थी। और अब सुनने में आया है कि इस फिल्म का जल्द ही सीक्वल आने वाला है। वीरू देवगन को उनकी पहली बरसी पर याद करते हुए अजय देवगन ने उन्हें एक ट्रिब्यूट दिया जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्यारे पापा, आपको गए हुए एक साल हो गया है, लेकिन मैं आपको अपने बगल में महसूस कर सकता हूँ। शांत देखभाल करने वाली प्रेजेंस मेरे साथ है। सुनने में आया है कि अजय दिलवाले के सीक्वल में अपने पिता को एक ट्रिब्यूट देने वाले हैं एक एक्शन सीन के साथ। तो हमें तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इस फिल्म की, और आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को ऐसी ही फिल्मों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है सानिया भार्गव ने।